उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन की कड़ी में आज सीएम योगी ने औरैया का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया जिले में बनकर तैयार लगभग 238 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और 448 करोड़ की करीब 64 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को औरैया के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों ने विकास से किनारा किया, तो वहीं सीएम योगी ने महिलाओं से कहा कि बेटियों बहनों का सम्मान लक्ष्मी के रूप में किया जाएगा, उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। हमारी सरकार ने तय किया, ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो बेटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी। हर बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले हर बच्चे को दो यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सब देने की व्यवस्था सरकार से तय कर दी गई है। जो ये लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, जिन लोगों ने विकास के कार्यों में बैरियर बन करके आम जनमानस को विकास के कार्यों से वंचित रखा, उन सभी को दरकिनार करते हुए आज बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ जहां प्रत्येक जनपद को प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि जनपद औरैया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है, जनपद औरैया का सपना साकार हो रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सीएम योगी द्वारा विद्युत सखी को राजकीय आजीविका मिशन के तहत 2.5 लाख का चेक सौंपा गया, तो वहीं छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट भी बांटे गए। बता दें कि इन विकास परियोजनाओं के क्रम में बड़ी परियोजना में औरैया विधुना मार्ग पर करीब 67 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनने वाली रेल ओवरब्रिज परियोजना भी शामिल है। गौरतलब है कि सीएम योगी आगामी चुनाव से पहले लगातार प्रदेश के तमाम जिलों को विकास संबंधी योजनाओं की सौगात देकर कहीं ना कहीं अपने दल का पलड़ा मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।